अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चेकी हेल्प टिप्स। गूगल ड्राइव गूगल का मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है जिसका आप फोन और डेस्कटॉप पे इस्तेमाल करते हैं। पर्पस क्या होता है? क्लाउड पर कोई भी डेटा और फाइल स्टोर करने के लिए। बट काफी कम लोग हैं जो कि गूगल ड्राइव को इस्तेमाल करना जानते हैं। और क्लाउड मतलब गूगल ड्राइव, जिसकी सबसे अच्छी बात यह है कि गूगल ड्राइव पे आप फाइल अपलोड करने के बाद दुनिया के किसी भी कोने में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में मैं आज स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको गूगल ड्राइव को इंस्टॉल कर लेना है अपने प्ले स्टोर से। इंस्टॉल करने के बाद इसको क्या करना है, आपको ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे अपनी गूगल ड्राइव को तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे नीट एंड क्लीन एक आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा और आपको बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें सबसे पहले देखनी है वो ये प्लस का साइन, और इसी पे हम बात करने वाले हैं। जैसे ही आप प्लस साइन पे क्लिक करते हैं आप देखते हैं आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हम फोकस करेंगे फोल्डर पे। अब यहाँ पे अगर आप फोल्डर पे क्लिक करते हैं आप देखते हैं आपसे पूछता है यहाँ पे क्रिएट अ न्यू फोल्डर। जैसा कि हम कंप्यूटर पे क्रिएट करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं गूगल ड्राइव में। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया टेस्ट डॉक्यूमेंट और मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे एक टेस्ट डॉक्यूमेंट नाम से यहाँ पे मेरा एक फोल्डर बन चुका है। अब यहाँ पे अगर मुझे कुछ भी फाइल अपलोड करनी है तो मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि मुझे फोल्डर ही क्रिएट क्यों करना, अगर मैं फोल्डर क्रिएट नहीं करता हूँ तो क्या मैं फाइल अपलोड नहीं कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन फोल्डर क्रिएट करने के फायदे ये होते हैं कि अगर आपको सिग्रीगेट करना है, मान लीजिए आपके पास 1000 फाइल है और 1000 फाइल आप इसमें अपलोड कर देते हैं तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। अगर वही 1000 फाइल को आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांट के फोल्डर बना के आप क्रिएट करेंगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं आने वाली। तो अभी देखिए मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, तो यहाँ पे उन सारी चीजों के बारे में बात न करके सबसे पहले कुछ चीजों के बारे में बात करूंगा जो कि अभी जानना जरूरी है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको वो सारी चीजें आगे देखने को मिल जाएंगी इसी वीडियो में। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है रीनेम का, तो अगर आप रीनेम करना चाहते हैं जो भी फोल्डर नेम दिया आपको लगता है कि ये फोल्डर नेम सही नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको रीनेम कर सकते हैं। चेंज कलर का ऑप्शन है, अगर आप फोल्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो फोल्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ग्रे है अभी, तो देखिए मैं अभी इसको कलर भी चेंज कर सकता हूँ, इसका कलर भी मैं चेंज कर दूंगा। डिटेल एक्टिविटी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी डिटेल एक्टिविटी देख सकते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि इस फोल्डर का स्क्रीनशॉट मोबाइल फोन के होम स्क्रीन पे बन जाए तो वो भी बन जाएगा, और अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मूव कॉपी लिंक एड स्टार्टेड एंड मैनेज पीपल एंड शेयर ये ऑप्शन बचे हुए हैं, तो ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि अगर आप फोल्डर के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो कलर पे चेंज करेंगे। मान लीजिए मैंने रेड चूज कर लिया तो आप देख सकते हैं फोल्डर का कलर रेड हो गया है। अब आइए ओपन करते हैं इस फोल्डर को। तो आप देखिए फोल्डर में आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है एम्प्टी फोल्डर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सिंपल स्टेप, प्लस साइन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखिए अपलोड फाइल का ऑप्शन आया और स्कैन कर रहा है। तो सबसे पहले आइए हम अपलोड पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे ये आपको ले जाएगा आपके मोबाइल फोन के स्टोरेज में, और यहाँ पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे गैलरी चूज करना चाहते हैं तो गैलरी भी चूज कर सकते हैं। आप माई फाइल पे आना चाहते हैं माई फाइल, या वन ड्राइव आपके पास है, गूगल फोटो तो होती ही होती है, तो यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे सिंपल क्या करना है, जो सबसे पहले टॉप पे मेरी फाइल है इसी को मुझे अपलोड करना। अब मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। अब जैसे ही देखिए मैंने इस पर क्लिक किया ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि फाइल तो अपलोड हो गई आपकी, अगर मैं इसको ओपन भी करना चाहूँ तो देखिए ओपन भी कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं मुझे जो फाइल का नेम है थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, तो आप यहाँ पे आइए और आप इस फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो भी नेम देना चाहें वो नेम आप दे सकते हैं, आपके ऊपर है। एज इट इज आप यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करिए और रीनेम कर दीजिए। पहले तो मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया, दूसरा मैंने फाइल को यहाँ पे अपलोड कर लिया। अब यहाँ पे देखिए अगर आप फाइल को अपलोड करने के बाद आप के पास रिक्वायरमेंट क्या है, अभी तक क्या था कि एक फाइल आपके पास थी जिसको आप अपलोड करना चाहते थे, लेकिन अभी क्या हुआ आपके पास फाइल वो नहीं मोबाइल फोन पे, और आपके पास एक हार्ड कॉपी है या फिर एक सॉफ्ट कॉपी है जिसको आप स्कैन करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? जैसे मेरे पास एक A4 साइज का पेपर है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, मुझे उसको स्कैन करना है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस साइन पाया और स्कैन पे क्लिक किया। तो जैसे ही स्कैन पे क्लिक करते हैं आपको अलाउ ऑप्शन आता है, आपको अलाउ कर देना है एक्सेस के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कैन के लिए मैंने ये फाइल ले रखी है, सेट करता हूँ उसके बाद स्कैन पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, ये स्कैन के पोर्शन में आ चुका है, अगर रिट्राई करना है तो दोबारा से आप कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ।
अब आप देख सकते हैं जब मैंने ओके पे क्लिक किया तो क्या हुआ, यहाँ पे दिखा दिया है कि जो ये फाइल आपने स्कैन किया ये पीडीएफ में अपलोड होगी। और यहाँ पे अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप में क्या हुआ, देखिए वो सिलेक्ट कर लिया कितने पोर्शन को आप करना चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा मुझे बड़ा चाहिए और मैंने यहाँ तक ले लिया, थोड़ा इसको भी कर दिया। एंड देन उसके बाद यहाँ पे नीचे डन का ऑप्शन आ रहा है, मैंने डन पे क्लिक किया तो देखिए कुछ ऐसे हो गया। अगर आप थोड़ा सा यहाँ चेंज भी करना चाहते हैं तो आप दोबारा से चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कलर दिया हुआ, कलर ड्राइंग कुछ करना है आपको यहाँ पे कर सकते हैं आप। और उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है और ये फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, स्कैन हुई फाइल। अब आप देख सकते हैं ये फाइल आपकी यहाँ पे स्कैन हो चुकी है और यहाँ पे आ चुकी है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसने स्कैन किया हुआ है। इसी तरीके से आपके पास कोई कार्ड है, कोई विजिटिंग कार्ड है, कुछ भी है, अगर आप उसको अपलोड करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं, आइए जो फाइल को आपने अपलोड किया है उस फाइल को और हम उसके साथ क्या कर सकते हैं ये हम देखते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी फाइल हमने अपलोड किया, अगर हम उसके थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप टॉप साइड पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, वो है शेयर का ऑप्शन। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं शेयर पे तो आप यहाँ पे किसी को भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अलाउ कर रहा है कॉन्टैक्ट एक्सेस करने के लिए, मैंने कहा अलाउ। अब यहाँ पे आप जिसका भी नाम देंगे वो फाइल उसके साथ ये शेयर हो जाएगी। मान लीजिए मैं अपना नाम दे देता हूँ यहाँ, और उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे एडिटर का ऑप्शन आता है। एडिटर पे आपको देखिए क्या मिलता है, यहाँ पे तीन चीजें मिलती हैं, व्यू कर सकता है, कमेंटर बन सकता है, एडिटर बन सकता है। अगर आप व्यू पे करते हैं तो सिर्फ ये फाइल को वो देख पाएगा, कमेंटर उसमें कमेंट भी कर पाएगा, एडिटर पे मतलब वो फाइल को डिलीट भी कर सकता है, और अगर कोई नई चीज भी अपलोड करना है तो उस फोल्डर के अंदर वो अपलोड कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे एडिटर दे दिया और यहाँ पे अगर आप मैसेज भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने लिखा मान लीजिए प्लीज डाउनलोड और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दिया। तो आप देखेंगे क्या होगा, ये फाइल शेयर हो गई इस पर्सन के साथ। और यहाँ पे आप देखिए आपको एक चीज दिखाई भी पड़ रहा है कि यहाँ पे कुछ आइकन छोटा सा बना हुआ है, मतलब कि ये फाइल शेयर हो चुकी है और अब ये डाउनलोड करके इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको ये फाइल शेयर भी करना है किसी के साथ तो शेयर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए थ्री डॉट पे मैं फिर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। अगर मान लीजिए आपको कॉपी करना है इस लिंक को, कॉपी करके आपको फेसबुक पे शेयर करना है, व्हाट्सएप पे शेयर करना है, तो आप कॉपी लिंक करके इसको कर सकते हैं। इसकी एक कॉपी अगर आप बनाना चाहते हैं, मेक अ कॉपी बना के किसी अदर फोल्डर में इसी गूगल ड्राइव में रखना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। सेंड करना चाहते हैं तो सेंड करके आप तब भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको सेंड करना है अदर प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप कर सकते हैं। ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं, और अगर हाँ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब उसके अलावा अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं। डिटेल एक्टिविटीज की देखना है, कब बनाया था, क्या किया था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इसको विदाउट इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं आप यहाँ पे मेक अवेलेबल ऑफलाइन पे क्लिक कर दीजिए तो ये फाइल आपको ऑफलाइन भी देखने को मिल जाएगी। अब यही सारी चीज़ें सेम अप्लाई होती है कहाँ पे, आपके टेस्ट फोल्डर जो मैंने बना रखा है टेस्ट डॉक्यूमेंट का, ये सारी चीज़ें टेस्ट डॉक्यूमेंट में भी अप्लाई होंगी अगर आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप फोल्डर शेयर करना चाहते हैं तो आप फोल्डर को भी शेयर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप रिनेम करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको डिलीट भी करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब इसके बाद आइए फिर से हम क्लिक करते हैं कहाँ पे, प्लस साइन पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको तीन ऑप्शन और दिखने को यहाँ पे नीचे मिल जाते हैं, वो है गूगल डॉक, गूगल शीट और गूगल स्लाइड, मतलब कि वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन ही वर्ड की फाइल बना सकें, एक्सेल की फाइल बना सकें, तो वो आप यहाँ पे पावर पॉइंट की फाइल बना सकें, तो सारी फाइल आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं अगर मान लीजिए गूगल शीट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको गूगल शीट ओपन नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे गूगल शीट के लिए पहले आपको गूगल ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आप इंस्टॉल करके ओपन कर सकते हैं और जो भी फाइल आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये भी आप यहाँ बहुत आसानी के साथ इजी वे में आप कर सकते हैं, और ये कंप्यूटर मोबाइल फोन दोनों जगह पे कर सकते हैं, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि मोबाइल फोन ही होना चाहिए। अब आइए हम यहाँ पे आते हैं आपके सर्च के बगल में जो आपको थ्री लाइंस दिखती है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ता है यहाँ पे क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है रिसेंट का। अगर आप रिसेंट पे क्लिक करते हैं तो जो भी गूगल ड्राइव में आपने रिसेंट सेव किया होगा वो आपको सारे मॉडिफिकेशन, रिसेंट मॉडिफिकेशन सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ऑफलाइन, पूरी की पूरी गूगल ड्राइव अगर आप ऑफलाइन चाहते हैं तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बिन है, जो भी चीज़ें आप डिलीट करते हैं वो बिन में आती है। बैकअप, बैकअप क्या है, अगर आप, मैं बैकअप पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देखिए अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो बैकअप भी ले सकते हैं। और उसके साथ साथ सबसे लास्ट ऑप्शन है सेटिंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो गूगल ड्राइव पे स्पेस मिलता है वो 15 GB का मिलता है। अपग्रेड करना चाहते हैं अपग्रेड कर सकते हैं। ऑटो बैकअप यहाँ पे ऑन है,
अगर आप ऑटो बैकअप को ऑफ भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग यहाँ पे ऑफ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कैशे आपका यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कैशे का जो साइज है वो यहाँ पे सेट साइज 250 MB बाई डिफॉल्ट दिया हुआ है। अब आते हैं इसके बाद यहाँ पे आप देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या देखने को मिलता है नीचे, होम, यहाँ पे स्टार्ट, शेयर एंड फाइल। फाइल का ऑप्शन हम देख चुके हैं, बाय डिफॉल्ट ये फाइल सिलेक्टेड है, तो ये सारी फाइलें हमें देखने को मिल रही हैं। अगर यहीं पे हम देखें होम पे, देखें होम पे क्या होता है, अगर मैं होम पे क्लिक करूं तो आपको जितने भी रिसेंट डॉक्यूमेंट जो भी आपने मॉडिफिकेशन किए हैं वो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन जो भी आएगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ, मान लीजिए स्टेट पे, ये क्या है, यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए आपके पास 1000 फाइल है और 1000 फाइल में आप बहुत ही कुछ कॉमन फाइल ऐसी हैं जो कि आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं स्टार में। तो इससे क्या होगा, आपकी वो फाइल ऑलवेज यहाँ पे दिखाई पड़ने वाली है। और शेयर्ड ऑप्शन पे आप देखिए, शेयर्ड में क्या है कि जो भी फाइल आप शेयर्ड करेंगे वो फाइल यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। अभी मैंने एक फाइल शेयर किया है लेकिन वो फाइल रिफ्लेक्ट नहीं है, वो इसलिए कि अभी मैंने रिसेंट किया हुआ है जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन नहीं आया, लेकिन जल्दी यहाँ पे वो रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ जाएगा। फिर से आते हैं फाइल पे। अब यहाँ देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का ऑप्शन क्या करता है, कंप्यूटर का ऑप्शन आपका ये करता है, अगर आप गूगल ड्राइव को कंप्यूटर में सिंक कराना चाहते हैं, ये ड्राइव को क्या कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप से सिंक करा सकते हैं, सारे फोल्डर आपके कंप्यूटर में सिंक हो जाएंगे और उसके बाद आप उसको यहाँ भी एक्सेस कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर भी एक्सेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं प्लस साइन पे आता हूँ और यहाँ पे अपलोड करता हूँ एक फाइल को, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक फाइल को अपलोड किया, अब ये फाइल यहाँ पे बाहर मेरी अपलोड हो गई है, लेकिन इस फाइल को मुझे इस फोल्डर में रखना है, तो कैसे रखूंगा, बस इस पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वो है मूव का। मूव पे क्लिक करना है और उसके बाद आपसे पूछता है किस फोल्डर में करना है। मान लीजिए मुझे इस फोल्डर में करना है, मैंने सिलेक्ट किया और मूव पे क्लिक किया, आप देखिए ये फाइल यहाँ पे गायब हो गई और ये फोल्डर में आपकी शो होने लगी। तो इस तरीके से अगर आप कोई फाइल मूव कराना चाहते हैं तो आप आसानी से इस तरीके से आप मूव करा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो गूगल ड्राइव से रिलेटेड, जहाँ पे मैंने आपको सिखाने की कोशिश किया है कि किस तरीके से आप गूगल ड्राइव को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको कुछ नए टेक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मैं आपके लिए वो वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना पड़ेगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए सबसे पहले। और आपने मुझे फॉलो नहीं किया है इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पे, मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी आईडी है चकी हेल्प।